लिमिटेशंस, प्लानिंग की लिमिटेशंस भी होती हैं। प्लानिंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, जैसे कि हम लोगों ने देखा है प्लानिंग पूरी दुनिया भर में किए जाने वाला काम है। कोई भी फील्ड में आप चले जाओ, कोई भी फील्ड बिना प्लानिंग के काम नहीं करता। प्लानिंग जो है वो इंसानों को गाइडेंस देता है, यानी सही दिशा बताता है। उसमें कोई कभी कभी परफेक्शन भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती। कभी वो एकदम सही होती है प्लानिंग, कभी नहीं होती। लेकिन जितना लोगों ने देखा है, क्रिटिक्स ने और एक्सपर्ट्स ने, यानी कि जो शोधकर्ता है या फिर जो जानकार हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हैं। अनसर्टेन फ्यूचर, हमेशा एक जैसा फ्यूचर नहीं होता। प्लानिंग में जो हम अज्यूम करते हैं, ज़रूरी नहीं हमें वही चीज़ हमेशा मिले, इसीलिए उसे अनसर्टेन माना गया, यानी कि वो हमेशा एक तरह का नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से प्लानिंग हमेशा करेक्ट नहीं होती और आपकी सोची बात हमेशा सही नहीं होती। एक्सपेंसिव प्रोसेस, प्लानिंग के लिए अगर आप किसी एक्सपर्ट को नियुक्त करते हो तो आप उसमें कभी कभी ज़्यादा खर्च भी आपको करना पड़ता है, वो आपसे ज़्यादा फीस लेते हैं और उसके अंदर आपको सही प्लान बना कर देते हैं। उनके लिए उन्हें ताकत, टाइम और पैसा, हर चीज़ की ज़रूरत होती है और इसी वजह से प्लानिंग थोड़ी मुश्किल और महंगी भी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग है। प्लानिंग करने के लिए हर चीज़ की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके फिर उसके अंदर हर चीज़ का मीन्स आपको हर चीज़ को आपको नापना पड़ता है कि क्या प्रॉफिट का चांस है, क्या लॉस का चांस है और उसमें और कोई ऑप्शन निकल सकता है या नहीं। इसकी वजह से वो ज़्यादा लंबा काम है, उसी लिए उसे एक टाइम कंज्यूमिंग काम माना जाता है, यानी समय इसमें ज़्यादा लगता है। प्लानिंग जो है वो इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट का मतलब होता है इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं होती और अचानक हो जाती हैं, इसीलिए उसे इररेलेवेंट माना गया है। फिर सेकेंडली, कभी कभी कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से बिज़नेस को कई नुकसान आते हैं। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिनके अंदर पूरी तरह से फेलियर देखने मिलता है, यानी कि पूरी तरह आप लॉस में चले जाते हो, इसलिए प्लानिंग को इररेलेवेंट माना गया है। फिर टेंस टूवर्ड्स रिजिडिटी, प्लानिंग जो है वो रिजिड है, यानी उससे ज़्यादा बदला नहीं जा सकता। प्लानिंग के अगर हम बदल देते हैं तो फ्यूचर का प्रोग्राम बिगड़ जाता है और सिचुएशंस कुछ ऐसे आ जाती हैं मैनेजर्स और काम करने वाले के लिए जिसके अंदर थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है और कई बार इस प्लान की वजह से आपके और आपके साथ काम करने वालों के बीच नुकसान आता है। अनसर्टेन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर के फैक्टर्स की वजह से भी कई बार आपका पूरा प्लान बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लान किए हुए बिजनेस के अंदर अगर अचानक से कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, जैसे कि कोई भूकंप आ गया या कोई हादसा हो गया, तो आपका प्लान किया हुआ सारा बिजनेस ख़राब हो सकता है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई अधूरी इन्फॉर्मेशन ला के देता है तो आप उसके हिसाब गलत लगाओगे और गलत हिसाब की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है और जैसा आप सोचो वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता। कई बार रेस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बड़े क्रिएटिविटी नहीं करना चाहते। प्लानिंग के हिसाब से कुछ लोगों की कैपेसिटी के होने के बाद भी वो उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिल पाते, जिनकी वजह से नुकसान पाया जाता है। कई बार प्लानिंग को बदला नहीं जा सकता और नए चीज़ें अगर आप उसमें जोड़ो तो सारी प्लानिंग डिसबैलेंस हो जाती है। फिर यूज़ ऑफ फॉल्टी मेथड्स, कुछ ऐसे भी मेथड कुछ लोग यूज़ कर जाते हैं जिनकी वजह से स्टैटिस्टिक जो है वो पूरा डाउन चला जाता है और जो आपका एस्टिमेट होता है, यानी जो आपने अज्यूम किया हुआ रिज़ल्ट है वो आपको मिल नहीं पाता। इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है या कभी कभी आपको टाइम सही नहीं मतलब अगर सही समय पर सही फैसला ना लिया जाए तो भी आपका जो प्लान किया हुआ प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से आप नुकसान पाओगे। इन सभी के अलावा कई और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि लीडर अगर अच्छा ना मिले तो भी आपका गलत हो जाएगा। पहले से ही सोच के प्लानर ने रख लिया है और अब वो वक्त के हिसाब से बदलना नहीं चाहता तो भी वो गलत बात है। टेक्नोलॉजी अगर पुरानी चलाई जा रही है तो भी प्लानिंग काम नहीं करेगी और अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो भी प्लानिंग काम नहीं करेगी। इस तरह से कंट्रोल जो है वो पूरा आपका छूट जाता है और आपको इस तरह से आपके सेकेंड ऑप्शंस भी आपको उसमें मदद नहीं कर पाते।